trigonometry so that 1048 degree, 1023 degree, 1042 degree, 1067 degree is equal to 1. ये हमको प्रूव करना है. इन्हें त्रिकोणमिति का एक सवाल लेकर मैं बलवंत भंडारी आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथियों को बताएं. और यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आइए देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले 1048 को हम किस तरह से लिख रहे हैं. ये लिख रहे हैं हम 1090 माइनस 42 डिग्री. 48 का कन्वर्ट किया हमने 92 माइनस. अब 1023 को देखें, 1090 माइनस 67 डिग्री. 90 में से 42 किया, 48 आ जाएगा, 90 में से 67 गया. और शेष जो हमारा पोर्शन था उसको हम कोई चेंज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, एज इट इज इसको हम रख रहे हैं. अब देखें यहाँ क्या हो जाएगा, 1090 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट 42 डिग्री. कॉट 42 डिग्री यानी कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. ये फार्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया. दो फार्मूला इसमें यूज़ करना है, बाकी कोई फार्मूला तीसरा फार्मूला इसके अंदर नहीं आएगा. तो ये हो गया 10 का कॉट में हो गया, इधर भी सेम है तो ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री. शेष पोर्शन हमारा है ही सही, 42 डिग्री एंड 1067 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1/1042 डिग्री. यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो फार्मूला होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, या 10 थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा. दोनों को एक दूसरे की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो कॉट 42 था वो अपॉन में आ गया 1042 हो गया, इंटू कॉट 67 हो जाएगा 1/1067 डिग्री. आपका 1042 है ही सही और 1067 है ही सही. देखें 1042 से 1042 चला गया, 1067 से 67 चला गया, तो ये आया 1. ये जो हम जो प्रूव करना चाह रहे थे शो दैट, यानी इसके बराबर में एक सिद्ध करना था, तो ये आ गया हैंस प्रूव्ड. यानी ये जो हमने बताया वो प्रूव हो गया. ओके, थैंक यू. जय जिनेंद्र.